हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो स्टे ट्यून, क्विक अपडेट है। डिटेल रीडिंग रात को 10 बजे या 10 से 10:30 के बीच में आती है, तो उसे भी देखना नहीं भूलेगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की जरूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ठीक इस वक्त करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन हमें बताएं। प्लीज डिवाइन द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए, प्लीज डिवाइन द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपकी रेगुलर बेसिस पे हमसे चैनलिंग भी होने लग जाती है। द मून को क्लैरिफाई करिए, प्लीज डिवाइन द मून को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सिक्स ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, टेन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है आपके लिए, ठीक है। चौड़िक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसेस की एनर्जी मेन राशि और जेमिनी राशि काफी स्ट्रांग है। इसके अलावा द वर्ल्ड है तो सभी राशियां हैं, फिर भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। आपकी पर्सन अभी एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, इनका इरादा आपके साथ मैरिज करने का है, आपके साथ रहने का है, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करने का, इनको इस बात की बहुत जल्दी है और ये ऑलरेडी खुद को आपसे कमिटेड फील करते हैं। मैंने इस कार्ड को आप बोलोगे क्यों नहीं क्लैरिफाई किया, बिकॉज उसकी जरूरत नहीं लगी, बट हमने जब हमने द वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया तो हमें बॉटम में मिला 9 ऑफ वेंड्स की एनर्जी, सॉरी किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी, जो कि कमिटेड लॉयल पर्सन को दिखा रही। तो आपकी पर्सन ऑलरेडी आपके साथ एक लवर्स वाला बॉन्ड फील करते हैं, ये आपके साथ एक आपके खुद को ऑलरेडी कमिटेड मानते हैं आपसे, ठीक है। आपका डेस्टाइन पार्टनर आपको मानते हैं अपना, वो खुद भी आपसे कमिटेड हैं, ऑलरेडी मानते हैं, शादी हुई नहीं हुई बट ये मानते हैं कि ये आपके पार्टनर हैं, ठीक है। द मून की एनर्जी, फिलहाल इनका मूड जो है काफ़ी ख़राब है, ठीक है, मूड इनका ख़राब है, मूड इनका अपसेट है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के बीच में मदर इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, कुछ लोगों के लिए मदर नहीं चाहते हैं, या कुछ लोगों के केस में हो सकता है और ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं काफ़ी सारे, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ये ऑब्स्टिकल इनकी ज़िंदगी से तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाते, ठीक है। तो इनको सबसे पहले अपनी फाइनेंशियली स्टेबल होना, और ये क्योंकि ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है इसलिए इनको इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे चीज़ें खराब हो रही हैं, बहुत ज़्यादा खराब हो गई हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, सिर्फ ऑब्स्टिकल्स की वजह से ये बहुत परेशान है, ठीक है। ये आपके साथ अपना एक घर बसाना चाहते हैं, बहुत जल्दी है इन्हें आपको आपकी तरफ आने की, आपको ऑफर करने की। हो सकता है आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आप अलग अलग शहरों में रहते हो, या हो सकता है अलग अलग कंट्रीज़ में भी रहते हो, यहाँ पे ये एनर्जी, तो ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे अगर फैमिली के, जिन लोगों के केस में अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो ये उनकी अपनी फैमिली हो सकती है, हस्बैंड, वाइफ या बच्चे,
या फिर इनकी पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, तो यहाँ पे इनके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्हें वहाँ भी निभाना है और आपके साथ भी चीज़ों को ठीक करना है। तो इनको क्या लग रहा है कि इन्हें बस इन्हें बहुत जल्दी है आपकी तरफ आने की, ठीक है, बट इसी वजह से इनका मूड जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा खराब है। आपकी वजह से खराब नहीं है, आपको ऑफर करना है पर कर नहीं पा रहे हैं, इस वजह से खराब है इनका मूड। इन्हें रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि इस देरी के चक्कर में जब तक ये सब चीज़ें ठीक कर पाएं, आपको ऑफर ना दे पाएं, तब तक आपका प्यार कहीं ऐसा ना हो आप खो जाओ इनकी ज़िंदगी से, आप कहीं दूर चले जाओ, ऐसा ना हो, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक भी कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने कोई जॉब इंटरव्यू या कोई जो कुछ दिया है किसी जगह पे, तो हो सकता है वहाँ से किसी तरीके का मैसेज आ रहा हो, कहीं पे भी कोई कम्युनिकेशन, मतलब किसी उसका वेट कर रहे हैं कि कॉल लेटर आ जाए या कंफर्मेशन आ जाए कि इनका हो गया है सिलेक्शन, इस तरीके की भी कोई न्यूज़ हो सकती है। या फिर इन्होंने कहीं से पैसा इन्वेस्ट किया है, मतलब कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है या बिजनेस किया है या किसी के साथ मिलके बिजनेस कर रहे हैं, कहीं से मतलब फाइनेंसिस के आने का वेट कर रहे हैं। फाइनेंस चाहे वो जॉब के थ्रू आए चाहे कैसे भी आए, ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसिस के आने का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इस वक्त पैसा इनके माइंड में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि जब इनके हाथ में पैसा आएगा ना, तभी इनकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, इनके सारे बर्डन्स खत्म हो जाएंगे, फैमिली को भी ये सेटल कर पाएंगे, उनकी ज़रूरतें भी पूरी कर लेंगे, आपको भी कमिटमेंट दे पाएंगे, बाकी चीज़ें भी ज़िंदगी में इनकी सारी सही हो जाएंगी। वो तभी हो पाएंगी, टेन ऑफ पेंटिकल की कंडीशन, एक अच्छा घर, एक अच्छी फैमिली, आप उनके घर में पूरी एक कम्प्लीट फैमिली, जो एक हैप्पी फैमिली है ना, वो विद ऑल अबंडेंस, वो तभी होगा जब इनकी ज़िंदगी में पैसा आएगा। ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते, ठीक है। तो इनका इरादा यही है कि पहले ये सेटल हो जाए, अपनी फैमिली में सब कुछ ठीक कर लें, उसके बाद आपको कमिटमेंट दें और आपको अपने घर में लेकर के आए, प्यार भरा कप ऑफर करना। बट इन्हें बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, लियो हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए इस एक्शन को लेने के लिए, जो इस वक्त इनके पास नहीं है। ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें बस ठीक हो जाएं। इमोशनली फिलहाल अभी खुद को डिटैच किया हुआ है, ऑब्स्टिकल्स हैं इनकी ज़िंदगी में अभी फिलहाल, तो इनको ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ज़िंदगी में ये आपसे शादी कर ही ना पाए कहीं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है। या अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो वहाँ पे इनको ये लग रहा है कि क्या ये कभी आपको घर में ला पाएंगे। जैसे अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और आप अपने पार्टनर से अलग रह रहे हो और आप एक नहीं रह पा रहे हो, तो वहाँ पे उनकी एनर्जी है, ठीक है। डिवाइन, प्लीज डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स की पर्सन इस वक्त हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज बताइए। आई कांट ट्रस्ट यू नाउ, यू आर माई लाइफ लाइन। हाँ, इनको आप पे थोड़ा भरोसा नहीं हो रहा है, ठीक है। इनको क्या है, इनको ये लग रहा है कि जब तक इनकी, जैसे मैंने बोला ना, इनको डर लग रहा है, मैंने पहले ही चीज़ बोली थी कि इनको डर लग रहा है, यू आर माई लाइफ लाइन, ठीक है। ये इनको ऐसा लगता है कि आप अगर इनकी ज़िंदगी में नहीं आओगे ना, तो ये ख़त्म हो जाएंगे, इस तरीके से इनको ऐसा लगता है कि आपको पाना ही इनके जीवन का उद्देश्य है, ऐसे मान लीजिए। और इनको ऐसा लग रहा है कि मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ आप पे, या नहीं कर पा रही हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ डाउट है इनको, इनको डर आपकी तरफ से श्योरिटी नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि जब तक ये स्टेबल होंगे, क्या तब तक आप इनका वेट करोगे? अगर नहीं किया, आप कहीं ऐसा ना हो आप इनसे दूर चले जाओ, ठीक है। बिकॉज हो सकता है ऑलरेडी आप काफ़ी दूर दूर रहते हो, डिस्टेंस पे रहते हो, तो इस वजह से इनके अंदर और थोड़े से डर हैं, फोबिया हैं इस बात के कि इतनी डिस्टेंस, कहीं ऐसा ना हो ये डिस्टेंस परमानेंट हो जाए आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, ये आपको किसी और के साथ जाता हुआ नहीं देख सकते। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की गाइडेंस मिली तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।